हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ सुशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस में आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर बैंक निफ्टी मैंने जो लेवल दिया है 41,500 और नीचे वाला 41,000 के बीच में ओपन होता है तो आपको एक तो बैंक निफ्टी न्यूट्रल साइडवेज दिखाई देगा या फिर बेरिश दिखाई देगा। और आज हुआ बिल्कुल वैसे ही, गैप अप ओपन हुआ। ओपन हुआ था 41,469 पे, उसने उस लेवल को तोड़ने की कोशिश की। जैसे मैंने हमेशा आपको, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो भी हमारी ओपनिंग लेवल होती है वो ब्रेकआउट लेवल होती है और ब्रेकआउट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ब्रेकआउट लेवल के नीचे बैंक निफ्टी रहता है तो एक तो न्यूट्रल या फिर बेरिश रहेगा, और अगर उसे तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो एक तो न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आज उसने पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ब्रेकआउट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर क्लोज देने के बाद भी तीसरी कैंडल ने ब्रेकआउट को नीचे की तरफ तोड़ा और बाद में जो ट्रेंड बना वो डाउन ट्रेंड ही बना और मार्केट बेरिश रहा। मार्केट में उतनी मूवमेंट नहीं हमें दिखाई दी। और यहाँ पे हमें, मैंने जैसे कल कहा था कि अगर आपको कोई जैकपॉट ट्रेड या फिर कोई भी प्रॉफिट वाला ट्रेड अगर आपको मिलेगा तो वो सिर्फ पुट साइड की तरफ ही मिल सकता है। आज आपको देखने को मिला कि बिल्कुल पुट साइड की तरफ ही हमारे बहुत सारे दोस्तों ने प्रॉफिट बुक्स किए हैं, ठीक है। लेकिन आज हमने इसमें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें जो दोस्तों, एक तो मोमेंटम नहीं था। आज ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है और जो हमारा 52 मूविंग एवरेज है वो बहुत नीचे था, तो उसे ब्रेक करने के बाद ही मैं एंट्री लेना चाहता था। लेकिन वो लास्ट में यहाँ पर भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हैं, 30-35 पॉइंट यहाँ पे इस कैंडल पे मिले हैं इस कैंडल में एंट्री करने के बाद। लेकिन उसके लिए बहुत देर तक राह देखनी पड़ी सुबह से लेके लास्ट मोमेंट तक। तो बस आपको ये, मैं वीडियो हमेशा जो बोलता हूँ वीडियो में, आप स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है, हर रोज़ देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखो क्या होता है कि मैं बार बार आपको वही चीज़ हर एक वीडियो में बताता हूँ, तो बार बार आप सुनेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाएगा। तो जब भी आप चार्ट की तरफ देखोगे तो उसी नज़रिए से देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, 52 मूविंग एवरेज कहाँ पे है, ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन क्या बनी है, ये आपके दिमाग में आएगा। आपको स्पेशली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे हर एक वीडियो हर रोज़ देखना है, हर एक वीडियो को देखना है, उसे लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों को इस चैनल को शेयर करना है दोस्तों, बस इतना सी छोटी सी बात है। उसके लिए आपको कोई कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए फ्री ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट भी डाल दी है। उसमें मैं जैसे मुझे वक्त मिलता है एक एक चैप्टर ऐड करते जा रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल पूरा हो चुका है, उसके सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दिए दोस्तों। आप वहाँ पे जाके हर एक चैप्टर देखिए, आप अच्छी तरह से एक टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल कहा था, बिल्कुल आपको यहाँ पे सेम चीज़ देखने को मिली कि एक तो मार्केट अगर 41,500 और 41,000 के बीच में रहेगा तो एक तो साइडवेज रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहा। और इससे मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं ट्रेड करना है? देखिए, नॉर्मल मार्केट अगर होता है, फ्राइडे का मार्केट होता है, मंडे का मार्केट होता है, ट्यूसडे का होता है, ठीक है, वेनसडे और थर्सडे के मार्केट में क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहाँ पे जो प्रीमियम डीके होता है ना, तो बहुत आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है, 25-30 पॉइंट्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इस पोजीशन में ना मज़ा नहीं आता है दोस्तों, ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आता। ट्रेडिंग में मज़ा कब आएगा? आपने एंट्री ले ली और फटाक से एक दो मिनट में आपका टारगेट अचीव हो गया तो वो जो मज़ा है ना वो अलग है। लेकिन एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, दो दो घंटा अगर आपका टारगेट ही अचीव नहीं हो रहा है तो बहुत परेशान होता है आदमी, उसका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं रखता है लगता है, और वो मतलब परेशान हो जाता है मार्केट के बारे में, वो निगेटिव सोचने लगता है। और अगर आपको ऐसे सिचुएशन चाहिए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए दोस्तों।
तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि आज क्या हुआ, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कल क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। दोस्तों देखिए, लास्ट में लास्ट के जो 45 या फिर 1 घंटा है उसमें बिल्कुल ट्रेंड लाइन तोड़ दिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन तोड़ दिए। तो जब भी ट्रेंड लाइन कोई भी कैंडल तोड़ देती है, अब उसके ऊपर दूसरी कैंडल कैसे बनती है इस पे डिपेंड है, ठीक है। अगर दूसरी कैंडल पॉजिटिव बनती है कल, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाएगी या फिर गैप अप होगा, तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ बाइंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बाइंग देखने के लिए आपको 41,500 के ऊपर जाके उस कैंडल को सस्टेन करना पड़ेगा। तो ऊपर आपको जो रैली मिलेगी वह निफ्टी के, हमारे बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई 41,800 समथिंग है, वहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर उसे भी क्रॉस कर ले तो 42,000 पर भी देखने को मिल सकती है। और अगर समझो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के फिर नीचे आ गया, 52 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया, तो आपको रैली 41,000 तक नीचे तक देखने को मिलेगी। और 45,000 को भी तोड़ के उसके नीचे सस्टेन कर दिया तो आपको 40,700 तक और नीचे 40,500 तक भी आपको नीचे वाली रैली देखने को मिल सकती है। तो सिचुएशन बेस पे हमें करना है, ठीक है, मूविंग एवरेज देखने हैं, ट्रेंड लाइन देखनी है, ब्रेकआउट्स देखने हैं, ब्रेकडाउन देखने हैं। ये तो तक कल के लिए मैंने एनालिस्ट बोल दिया है कि अगर इस तरह से ऊपर जाएगा तो आपको, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मूविंग एवरेज, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज मैंने दिया है, यहाँ पे क्लोज दिया है 55 का, अगर ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है, 60 को ब्रेक करता है, तो आपको बहुत बड़ी ऊपर वाली रैली दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ये मूविंग एवरेज, ठीक है, ऊपर जाने के बजाय ओपन होके ऐसे ऐसे ही नीचे ओपन हो गया, ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नीचे की रैली तब तक नहीं देखने को मिलेगी, बहुत तेज़ रैली, जब तक ये मूविंग एवरेज 40 को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। नीचे भी आ गया, अगर 40 को तोड़ के इसके नीचे चला जाता है, तो आपको बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर 60 को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आपको बहुत तेज़ बाइंग देखने को मिल सकती है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो भी मैं आपको RSI MACD के बारे में बताता हूँ, उन चीज़ों को ध्यान में रखते जाइए, उन चीज़ों को समझते जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला लेवल होता है, जैसे कि कल मैंने आपको कल ही बोला था कि आपको यहाँ पे धड़ाम से रैली आने की चांसेस है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, साइडवेज ही मार्केट चला था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर आने के चांसेस हैं, लेकिन नहीं हुए ऐसे चांसेस। और आप देखें, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है वो सेलिंग होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, सेलिंग होता है। तो ये जो सेलिंग है ना दोस्तों, ठीक है, ये जो सेलिंग है वो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर बाइंग हो रहा है यहाँ पे। इम्प्रॉपर बाइंग मतलब ये देखिए, रेड कैंडल की बजाय ये ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, इस तरह के कैंडल्स बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब अगर प्रॉपर सेलिंग की बजाय इम्प्रॉपर बाइंग होता है, तो जल्द ही प्रॉपर सेलिंग शुरू होता है दोस्तों। मतलब अगर कल कल अगर मार्केट ओपन भी पॉजिटिव होता है या फिर बढ़ता भी है, ऊपर की तरफ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर के सेशन के बाद मार्केट में गिरावट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई इंस्टा के DM पे जाके डायरेक्टली DM कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट छोड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इस तरह का वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।